एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में पॉलियाना और उसके पिता रहते थे। क्रिसमस की नाइट थी, पॉलियाना एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज उसे गिफ्ट में डॉल मिलने वाली है, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसे मिला भी तो क्या, टूटी हुई बैसाखियाँ, जिसे देखकर पॉलियाना का मूड बड़ा ख़राब हो गया और वो बड़े निराश मन से उसके पिता के पास गई। और उसके पिता ने उसे एक गेम से इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था बी ग्लैड, यानी हर परिस्थिति में कोई एक सुख की किरण खोज लेनी। और ये समझाने पर पॉलियाना को फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि ये इस गिफ्ट के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड शो कर सकती है या आभार शो कर सकती है। सो उसके पिता ने उससे कहा कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि बैसाखियों की ज़रूरत आपको नहीं, आपको इसे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर पॉलियाना का मूड चेंज हो गया, वो बड़े अच्छे मन से और पॉजिटिव मन से रहने लगी और इस गेम को उसने जीवन में अपनाया। हुआ ये कि पॉलियाना के पिता की डेथ हो गई और पॉलियाना को उसकी एक आंटी के पास में शिफ्ट होना पड़ा। अब वो आंटी बड़ी खड़ूस निकले, उन्होंने पॉलियाना को रहने के लिए एक कमरा दिया जो बड़ा छोटा सा गंदा सा था, जहाँ कारपेट नहीं था, टूटा हुआ दरवाज़ा था, पर पॉलियाना फिर भी ग्रेटिट्यूड स्टेट में थी क्योंकि विंडो से जो उसे व्यू दिखता था स्टार्स और मून का और जो लाइट अंदर आती थी उसे वो बड़ी पसंद थी। खाने में भी सिर्फ उसे दूध और ब्रेड ही मिलता था, पर फिर भी वो शुक्रगुजार थी। ऐसे धीरे धीरे करके पॉलियाना ने गांव के सारे लोगों को ये गेम सिखाया और सिखाते गए, बड़ी हुई। पर हुआ क्या, परीक्षा की घड़ी आई, पॉलियाना का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसे पता चला कि अब वो चल नहीं सकती है। पूरा गांव पॉलियाना को ढूंढ रहा था, उसे बताना चाहते थे गांव के लोग कि उसके इस गेम से उनकी लाइफ में कितने चेंजेस हैं और किस तरीके से वो खुश हैं। और पॉलियाना कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके चेहरे पे खुशी थी। वो गेम के रूल में आ गई और सोचने लगी कि थैंक गॉड उसके पास पैर तो हैं। सो ये गेम हमें भी अपनी लाइफ में सीखना है, इसे खेलना है। जीवन की हर परिस्थिति में, यानी दुख के क्षणों में, कोई सुख का कण खोज लेना है, एक आशा की किरण ढूंढ लेनी है, एक पॉजिटिव बात सोच लेनी है। अब आप मुझसे कहेंगे कि पारुल आपको पता नहीं है मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम, और मैं आपसे कहूंगी कि बी ग्लैड, क्योंकि दुनिया की सारी प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में नहीं है ना। सो दिन खराब हो सकता है, पर दिन में कोई भी अच्छी बात ना हुई हो ऐसा तो नहीं होता ना। सो ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में लेके आइए, ये बहुत ही पावरफुल वे है। इसे आप जर्नल लिख के भी कर सकते हैं या फिर सुबह उठते हुए या रात में सोने से पहले जिन व्यक्तियों के लिए, वस्तु के लिए, परिस्थितियों के लिए आप आभारी हैं, शुक्रगुजार करिए, आभार व्यक्त करिए, ग्लैड होइए, खुशी मनाइए कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। और यकीन मानिए कि थैंक यू एक बहुत बड़ी प्रेयर है। आपने नोटिस किया होगा कि थैंक यू बाहर वालों को बोलना जितना आसान होता है, घर वालों के लिए बोलना उतना ही मुश्किल है, या घर वालों को बोलना उतना मुश्किल है। सो मैं कहूँगी कि शुरुआत घर से ही करिए। आपकी मम्मा को थैंक यू करिए कि उन्होंने आपको इतना डिलीशियस फूड यानी स्वादिष्ट खाना बना के दिया। अपने बच्चों के लिए करिए कि उनके आने से आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। आप शुक्रगुजार अपनी मदर इन लॉ का, सासू माँ का भी कर सकते हैं कि उनके बेटे को पाकर एज अ हस्बैंड अपनी लाइफ में आप कितने हैप्पी हैं। इस तरीके से आप शुरुआत करिए और अपनी लाइफ में पॉलियाना की तरह ही ये ग्लैड गेम को रखिए। आप मानेंगे नहीं, ये आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है ये गेम। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम ऊपर गए मरने के बाद, वैसे हम ऊपर ही जाएंगे, और गॉड ने हमसे पूछ लिया कि और बताइए कैसा रहा स्वर्ग का सफ़र, सो हमारे पास में जवाब होना चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ शिकायतों में मत गुजारिए क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बी ग्लैड एंड बी ग्रेटिट्यूड कि हमारे पास लाइफ तो है जीने के लिए। सो बी ग्लैड एंड आई एम ग्लैड टू कनेक्ट विथ यू। मैं पारुल शाह, सॉफ्ट स्किल एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपका शुक्रगुजार।